मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन टुडे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, चैप्टर नंबर 10, डिग्री ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन को हम कहते हैं तुलना करना. और कंपैरिजन जो है जिन स्टेट्स में किया जाता है उसको हम डिग्री कहते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या होता है. वी यूज़, हम जो एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं पर्सन और थिंग को कंपैरिजन में, लेकिन व्हेन वी मेक दिस कंपैरिजन वी यूज एडजेक्टिव. और जब हम इसको बनाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव यूज़ करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स इन सेंटेंसेस, अलग अलग प्रकार से. व्हेन वी यूज एडजेक्टिव टू कंपेयर पर्सन और ए थिंग, व्हेन वी मेक द कंपैरिजन वी यूज एडजेक्टिव इन डिफरेंट फॉर्म्स इन अबव सेंटेंसेस. अब देखिए, पहला है फैट, फिर फैटर, फिर फैटेस्ट. यहाँ पे दे रखे आपको सैम इज फैट, सैम मोटा है. पीटर क्या है? पीटर इज फैटर देन सैम. पीटर जो है सैम से क्या है? मोटा है. और रोनाल्ड इज फैटेस्ट ऑफ द थ्री. रोनाल्ड जो है तीनों से फैटेस्ट है, मोटा है. अब तीनों की तीन बताए हैं, ये तीन हमारी डिग्री हैं. तो डिग्री तीन टाइप्स की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. जो पॉजिटिव डिग्री है सैम इज़ फैट, यानी इसमें किसी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा आदि के बारे में बताते हैं, वो पॉजिटिव डिग्री होती है. और कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? जिसमें दो की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. जैसे पीटर की कंपैरिजन करी सैम से कि वो क्या है? फैटर है. तो इसमें कौन सी डिग्री लगेगी? कंपैरेटिव डिग्री. रोनाल्ड इज फैटेस्ट ऑफ द थ्री. रोनाल्ड तीनों से जो है फैटेस्ट है, मोटा है, तो वो लग गई सुपरलेटिव डिग्री. इसको यूं भी कह सकते हैं कि जिसमें किसी के गुण, दोष, भाव का पता चलता है वो पॉजिटिव डिग्री होती है, जिसमें दो की तुलना की जाती है वो पीटर के सैम से वो कंपैरेटिव डिग्री. और मान लीजिए आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और उन बच्चों में से मैंने ही बोल दिया रोनाल्ड इज द फैटेस्ट इन द क्लास, तो उसकी तुलना सभी बच्चों से कर दी है, रोनाल्ड इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, सबसे इंटेलिजेंट है, तो उन सबसे तुलना कर दी, तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो गई, यानी दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन कर दिया. अब वी यूज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव. हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं एडजेक्टिव में व्हेन वी मेक नो कंपैरिजन, जब हमें कोई भी कंपैरिजन नहीं करना होता, सिर्फ व्यक्ति की क्वालिटी बतानी होती है. मिस्टर गुप्ता इज़ ए रिच मैन. मिस्टर गुप्ता एक अमीर आदमी है. एग्जांपल, लखनऊ इज़ ए बिग सिटी. इसमें लखनऊ एक बड़ा शहर है. इसमें किसी भी पर्सन और थिंग के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है. क्वालिटी बता रहे हैं कि मिस्टर गुप्ता एक अमीर आदमी है और लखनऊ एक बड़ा नगर है. तो ये क्या हो गया? लखनऊ की विशेषता बताई तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री. मिस्टर शर्मा इज़ रिचर देन मिस्टर गुप्ता. कि कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि मिस्टर गुप्ता जो है मिसेस शर्मा से अमीर है, तो कंपैरिजन कर दिया दो के बीच में. दिल्ली इज़ बिगर देन लखनऊ. दिल्ली जो है लखनऊ से बड़ा है, तो इसमें भी कंपैरिजन कर दिया दो सिटीज़ के बीच में. ठीक है, तो इसमें आ गया कंपैरेटिव डिग्री. लेकिन सुपरलेटिव में क्या होता है? हम मोर देन टू पर्सन और थिंग, दो से या दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन करते हैं. दो से नहीं, दो से ज़्यादा के बीच में, बहुत सारों के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं. मैंने भी आपको क्लास का एग्जांपल दिया कि इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और वो क्या है, राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास. बेस्ट, सबसे बेस्ट हो गया सभी में कंपैरिजन करके, तो ये हमारा सुपरलेटिव हो गया. अब मिस्टर चावला इज रिचेस्ट ऑफ ऑल माई फ्रेंड. जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सबसे अमीर कौन है? क्या है? मिस्टर चावला. तो फ्रेंड्स ज़्यादा होते चाहते हैं, दो से ज़्यादा के, मोर देन टू पर्सन, दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन है, तो सुपरलेटिव डिग्री. मुंबई इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल इंडियन सिटी. मुंबई जो है सभी भारतीय नगरों से बहुत बड़ा है, तो ये भी दो, मोर देन टू सिटीज़ के बीच में कंपैरिजन है, तो यहाँ पे लग गया
अब आपको नीचे दे रखिए फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब ग्रेड का कंपैरेटिव क्या बनेगा, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट, जिसमें देन लगता है उसमें जो है कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करती हैं, और जिसमें द लगता है उसमें डैश से पहले या डैश के बाद, तो उसमें क्या लगेंगे हम, क्या लगेगा उसमें, सुपरलेटिव डिग्री। देन वाले में अगर डैश से पहले या बाद है तो क्या लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री, और द वाले में सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव क्या बनेगा, ग्रेट का ग्रेटर ग्रेटेस्ट, इसमें ई आर और ई एस टी लग रहा है। नियर का नियरर नियरेस्ट, यंग का यंगर यंगरेस्ट, फाइन का फाइनर फाइनेस्ट, टॉल का टॉलर टॉलेस्ट, बिग का बिगर बिगरेस्ट, सैड का सैडर सैडेस्ट। कई बार जो वाई वाले हैं वाई को काट के हम क्या लगाते हैं, आई ई आर और आई ई एस टी। ईजी का ईजियर और ईजीएस्ट। लेकिन कुछ डिग्री ऐसी होती है जिसमें मोर और मोस्ट लगते हैं, जैसे इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग मोस्ट इंटरेस्टिंग, कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव मोस्ट, इंपॉर्टेंट में मोर और मोस्ट, इंटेलिजेंट में मोर और मोस्ट, ब्यूटीफुल में मोर और मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, टायर्ड में मोर टायर्ड। कुछ ऐसे होते हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, जैसे गुड का बेटर बेस्ट, लिटिल का लेस लीस्ट, मैनी का मोर मोस्ट, बैड का वोर वोस्ट, ओल्ड का ओल्डर ओल्डेस्ट, फैट का फार्दर फार्देस्ट, लेट का लेटर लेटेस्ट। अब देखिए सलमा इज द डैश गर्ल इन द क्लास, मैंने बोला था दा हो जाए तो क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव में क्या लगेगा, मोस्ट इंटेलिजेंट। आयुष्मान हैज डैश फ्रेंड द स्कूल, अब डैश से पहले और डैश के बाद बोला था, लेकिन दा हमारा कहाँ पे है, बीच में है, तो इसमें ये डिग्री रूल फॉलो नहीं होगा, इसमें मोर का मोर ही रहेगा। टूडे इज द डैश देन, देन आ गया तो क्या हो गया, होटर होटेस्ट, तो आपने ये खुद भरने हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।